हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेसिक नॉलेज। आज डिस्कस करिबा ज्योग्राफी ऑफ ओडिशा, जोटा कि इम्पोर्टेंट अच्छे आपंक परीक्षा पाई। लाइफ स्टाइल इंस्पेक्टर बहुत सारा क्लासेस हम चैनल रे प्रोवाइड अच्छी। डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छे प्लेलिस्ट वाइज, जो आप देखी ना ताले विजिट कर देखिपारती। आम चैनल द बेसिक नॉलेज को सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाँफल जहाँ भी आम वीडियो अपलोड करूँ ता नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिले। ठीक है, ज्योग्राफी डिस्कस करिबा ओडिशार कौन कौन इम्पोर्टेंट अच्छी। देखो, ये हूँ महानदी रिभर जोटा कि कटक रे अच्छी। ओके, महानदी रिवर नियर कटक। अभी देखिबा कौन ओडिशा रो ज्योग्राफी रही। ओडिशा लाइज बिटवीन द लैटिट्यूड 17.780 नॉर्थ एंड 22.730 नॉर्थ एंड बिटवीन द लॉन्गिट्यूड 81.37 ईस्ट एंड 87.53 ईस्ट। मन रखिए लॉन्गिट्यूड आउ लैटिट्यूड कौन रही। लैटिट्यूड आम जब देखा तो 17.780 नॉर्थ रु नहीं कि 22.730 नॉर्थ पर्यंत रही। आउ लॉन्गिट्यूड देखु, लॉन्गिट्यूड रहिला 81.37 ईस्ट रु नहीं कि 87.53 ईस्ट पर्यंत रही। ओडिशा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मन रखिबे, आपनका इम्पोर्टेंट रही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु। द स्टेट हैज एन एरिया ऑफ 155,707 स्क्वायर किलोमीटर। देखो, 155,707 स्क्वायर किलोमीटर बा वर्ग किलोमीटर रही यार एरिया। मन रखिबे ओडिशा रा क्षेत्रफल हूँ 155,707 वर्ग किलोमीटर, विच इज 4.87% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया, जोटा कि भारत संपूर्ण भारत 4.87% हो जीवो। 4.87% हो पूरा भारत बर्षर ओडिशा रा एरिया। ठीक है, एंड कोस्ट लाइन ऑफ 450 किलोमीटर। कोस्ट लाइन जो रहा हमरा उपकूल नॉर्मली एटा होची बे ऑफ बंगाल सहित ईर कोस्ट लाइन रही। ठीक है, एटा जो बंगोपसागर उपकूलवर्ती राज्य और 450 किलोमीटर पर्यंत यह बंगोपसागर को लगिकी रही। या पूर्व ओडिशा हिस्ट्री सहित ओडिशा रा पॉपुलेशन डिस्कस करा जाई छी। जदि आपण माने देखी ना ताले लिंक अच्छे डिस्क्रिप्शन रे जहाँ आपण मैंने जाकि देखिपारती। ठीक है, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट लाइज द कोस्टल प्लेन। देखो, जो पूर्वतम पार्ट रहा ओडिशा रा सेटा कोस्टल प्लेन अच्छी उपकूलवर्ती समतल भूमि। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सुवर्णरेखा रिवर इन नॉर्थ टू ऋषिकुल्या रिवर इन द साउथ। ताले नॉर्थ रु एटा सुवर्णरेखा नदी ठारु ऋषिकुल्या नदी पर्यंत साउथ रे एटा विस्तृति लाभ करिछि। द लेक चिलिका इज पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन। चिलिका मध्य गोटे आमर जो उपकूलवर्ती समतल भूमि गोटे अंश। द प्लेन्स आर रिच इन फर्टाइल सिल्ट डिपोजिटेड बाय सिक्स मेजर रिवर्स फॉलोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल। देखंतु ए जो रहिला चिलिका जो अच्छी सेटा होची गोटे कोस्टल प्लेन अंतर्गत। आउ एठी कौन हुए ना, जेहेतु एटा प्लेन एवं एटा होची उपत्यका लेक होची। आउ मन रखिबे चिलिका होची पूरा एशियार संपूर्ण एशियार जो ब्लैकिश वाटर जो रहिला लेक एटा होची सबुठु बड़। मन रखिबे चिलिका होची ता सहित एटा जो रहिला प्लेन जो अच्छी से सिल्ट डिपोजिट हुए बहुत अधिक परिमाण रे, जोटा कि छ बड़ बड़ नदी जो रहिले जो मैंने बंगोपसागर बा बे ऑफ बंगाल रे पड़ुछंती से ता द्वारा सेटा डिपोजिट होता है। से छटी नदी कौन देखंतु, सुवर्णरेखा, बुढ़ा बड़ंग, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या। मन रखिबे को को नदी सब बुढ़ा बड़ंग सहित सरी बे ऑफ बंगाल को जल जोगाउछंती बा बे ऑफ बंगाल सहित मिसिंट। मन रखिबे सुवर्णरेखा, बुढ़ा बड़ंग, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या नदी माने बे ऑफ बंगाल सहित लागिक अच्छा। द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रहा CRRI यहाँ पड़ी आपर RI एग्जाम रे। ठीक अच्छे, से रही कटक रे। सहित फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रही रिकग्नाइज राइस जीन बैंक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ महानदी इन कटक। ठीक अच्छे, महानदी रे महानदी पाखापाखी जो कटक रहा। ठीक अच्छे, महानदी उपकूलवर्ती कटक सहर से आमर CRRI अच्छी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा RI रिसेंट RI रे पड़ा। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट रही CRRI। ता सहित फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रही जोटा कि ऑर्गेनाइज्ड राइस बैंक। ठीक है, जीन बैंक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एटा महानदी रिवर बैंक रे कटक ठारे अवस्थित अच्छी। ठीक है, द स्ट्रेच बिटवीन पुरी एंड भद्रक इन ओडिशा जस्ट आउट अ लिटिल इनटू सी मेकिंग इट वल्नरेबल टू एनी साइक्लोनिक एक्टिविटी। ताहले ओडिशा रे बहुत सारा बात्या हुए आपण माने जानिछंती, रेगुलर वर्षा मध्ये बे चली। सैटेलाइट व्यू देखिबा महानदी रिवर डेल्टा देखंतु, 3/4 ऑफ द स्टेट इज कवर्ड इन माउंटेन रेंज। देखंतु
तीनी चतुर्थांश ये स्टेट होची माउंटेन रेंज अच्छे एठारे डीप एंड ब्रॉड वैलीज हैव बीन मेड इन देम बाय रिवर्स ताले वैलीज मध्ये अछंती रिवर द्वारा एटा होची चारियाडे यार रिवर रहिची ठीक अच्छे तीन चतुर्थांश माउंटेन रेंजेस अच्छा दिज वैलीज हैव फर्टाइल सॉइल यार मृत्तिका बहुत उन्नत ठीक अच्छे एंड डेन्सली पॉपुलेटेड ठीक है लोक माने अच्छा भल परिमाण रे तापर रहिला कौन ओडिशा अल्सो हाज प्लेट्यू मालभूमि अच्छी एंड रोलिंग अपलैंड्स व्हिच हैव लोअर इलेवेशन देन द प्लेट्यूज द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्टेट इज देवमाली आर्ट 1672 मीटर्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट सम अदर हाई पिक्स आर सिंकाराम 1620 मीटर ठीक है गोलीकोड़ा 1617 मीटर एंड यंद्रिका 1582 मीटर्स ओके मन रखा जो रही माउंटेन मान अच्छा ठीक है हाईएस्ट पॉइंट रही ओडिशा रे देखिबा तले माउंटेन रेंज मध्ये अछि एठारे प्लेट्यू अछंति रोलिंग अपलैंड्स मध्ये अछंति ठीक है सबुठ अधिक हाईएस्ट पॉइंट होची हमरा देवमाड़ी मन रखिबे देवमाड़ी टा होची सबुठ हाईएस्ट हैला देवमाड़ी एटा होची कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रहिची कोरापुट जिला रे देवमाड़ी सेटा कि 1672 मीटर रहिची तार उच्चता मन रखिबे वेरी वेरी इंपोर्टेंट देवमाड़ी होची ओडिसा रो जो हाईएस्ट पॉइंट एटा होची कोरापुट डिस्ट्रिक्ट अछि आ 1672 मीटर होची यार हाइट तापरे जो रहिला सिंकाराम अछि 1620 सबुठ हाईएस्ट होची 1672 जोटा कि देवमाली तापर रहिला सिंकाराम जोटा कि रहिला 1620 तापर रहिला गोलीकोंडा 1617 ता सहित इंद्रिका रहिची 1582 मीटर रे ठीक है आगो को जीवा रिहैबिलिटेशन देखिदबा यार ईस्ट पाकिस्तान डिस्प्लेस्ड पर्सन रिहैबिलिटेटेड इन ओडिशा इन 876 फैमिलीज हैव बीन रिहैबिलिटेटेड इन ओडिशा अप टू 13 अक्टोबर 1958 रे ईस्ट पाकिस्तान जो रही से लोक मैंने आसी रिहैबिलिटेट होते 876 फैमिली रही थे एक जना पड़े ओडिशा रे तापर क्लाइमेट कंडीशन देखिबा ओडिशा रो द स्टेट एक्सपीरियंस फोर मेट्रोलॉजिकल सीजन्स विंटर प्री मनसून सीजन साउथ वेस्ट मनसून सीजन नॉर्थ ईस्ट मनसून सीजन देखले सीजन ये एथिरु भी क्वेश्चन पड़ी जाउछि आपण मानकर पड़ीथिला आरए एग्जाम रे पड़ीथिला द स्टेट एक्सपीरियंस फोर मेट्रोलॉजिकल सीजन देखंतु चारि मेट्रोलॉजिकल सीजन थाए ओडिशा रे गोटे हला विंटर जोटा कि जनवरी रु फेब्रुवारी रे जोटा होउछि तापर प्री मनसून सीजन मार्च टू मे मन रखिबे एटा साउथ वेस्ट मनसून रहिला जून टू सेप्टेम्बर ता सहित नॉर्थ ईस्ट मनसून रहिला अक्टोबर टू डिसेंबर हाउएवर लोकली द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सिक्स स्टैंडर्ड सीजन ठीक है जोटा कि आमर नॉर्मली सिक्स स्टैंडर्ड सीजन रही ट्रेडिशनल सीजन आमर जोटा है ऋतु जहाँ को आम ओडिया कहू सेटा है ग्रीष्म ग्रीष्म कहुए ओडिशा रे समर को ग्रीष्म कहुए मन रखिबे रेनी को वर्षा कहुए ता सहित अटम को शरत कहुए सेमती डी को आम हेमंत कहू विंटर को आम शीत कहू ता सहित स्प्रिंग को बसंत कही था ओडिशा रे ठीक है आठ बेसिकली मेट्रोलॉजिकल सीजन चारिटा थाए जोटा को आम विंटर प्री मनसून साउथ वेस्ट मनसून तापर नॉर्थ ईस्ट मनसून आकार कहू ता सहित ऋतु छटा अनुभूत हुए ओडिशा रे ठीक है ता सहित आम देखा मेन टेम्परेचर जो रहा सेटा हो भुवनेश्वर रोचे अधिक टेम्परेचर रोचे ठीक है सब रहा आगो को जीवा बायोडाइवर्सिटी देखिबा ओडिशा रे अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट रिलीज्ड इन 2012 जो रहिला फॉरेस्ट सर्वे इंडिया रो ओडिशा हाज 48,903 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट व्हिच कवर 31.41% ऑफ द स्टेट्स टोटल एरिया द फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू डेंस फॉरेस्ट मीडियम डेंस फॉरेस्ट ओपन फॉरेस्ट ओके एंड स्कर्फ फॉरेस्ट देखंतु जो फॉरेस्ट सर्वे रही फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2012 अनुसार यदि देखिबा तले भारत रे फॉरेस्ट होउछंती फॉरेस्ट केते वर्ग किलोमीटर पर्यंत अछि 48,903 वर्ग किलोमीटर पर्यंत केवल जंगल रही मन रखिबे फॉरेस्ट रही 48,903 वर्ग किलोमीटर पर्यंत रही ता मध्यरु रही तार 31.41% रही तर टोटल एरिया रो ठीक है जदि पूरा टोटल एरिया रो जो 48,903 स्क्वायर किलोमीटर टा संपूर्ण ओडिशा रो क्षेत्रफल 31.41% रही ठीक है द फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू ताको नॉर्मली आम चारि भागरे विभक्त करिचे से फॉरेस्ट को गोटे फॉरेस्ट होची आमर ओपन फॉरेस्ट देखंतु डेंस फॉरेस्ट
इरेज करनेबा। डेन्स फॉरेस्ट है 7060 वर्ग किलोमीटर पर्यंत रही, सहित मीडियम डेन्स फॉरेस्ट है 21366 वर्ग किलोमीटर पर्यंत रही, सहित ओपन फॉरेस्ट रही थिला। ओपन कहले कौन फॉरेस्ट विदाउट क्लोज्ड कैनोपी, कैनोपी कहले जो आपण मैंने जंगल में देखिथे बड़ बड़ गछ मैंने ऊपर गोटे छाई पर दिखाँ कैनोपी कह जाए, ठीक है। आउ एटा ओपन फॉरेस्ट न थाए नॉर्मली, तेणु या कह जाए ओपन फॉरेस्ट। आई 20477 वर्ग किलोमीटर पर्यंत यहाँ अच्छी। सहित स्क्रब फॉरेस्ट जो रही है 4734 वर्ग किलोमीटर पर्यंत व्यापी। कौन कौन फॉरेस्ट अच्छा टी देखिदेवे, डेन्स फॉरेस्ट टोटल फॉरेस्ट होची आमर 48903 वर्ग किलोमीटर, तो सेटा होची टोटल भारत टोटल ओडिशा रो एरिया रो 31.41 शतकड़ा, ठीक है। ता सहित डेन्स फॉरेस्ट रही 7060 वर्ग किलोमीटर किलोमीटर, तो मीडियम डेन्स फॉरेस्ट है 21366 वर्ग किलोमीटर, ओपन फॉरेस्ट होची 20477 वर्ग किलोमीटर, स्क्रब फॉरेस्ट होची 4734 वर्ग किलोमीटर। द स्टेट ऑल्सो हाज बैंबू फॉरेस्ट जो रहिला, बैंबू कहला आमर बाउंश जंगल मध्य अच्छे 10518 वर्ग किलोमीटर पर्यंत। सहित मैंग्रोव्स रही जोटा कि आमर इंटरमीडिएट एटा रहिला, सेटा होची 221 वर्ग किलोमीटर पर्यंत रही। तो स्टेट इज लॉसिंग इट्स फॉरेस्ट टिम्बर स्मगलिंग माइनिंग इंडस्ट्रियल एंड ग्रेजिंग, देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू कंजर्वेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। देखो आमर जो रहिला बैंबू फॉरेस्ट ओडिशा रे अच्छी 10518 स्क्वायर किलोमीटर पर्यंत रही, सहित मैंग्रोव फॉरेस्ट जो रही 221 वर्ग किलोमीटर पर्यंत व्यापी। ता सहित आमर जो रहिला फॉरेस्ट गुड़ाक क्षय होची ओडिशा रे जंगल क्षय होची, काहे होची मेन कथा होची आमर टिम्बर स्मगलिंग जो होची, ता सहित माइनिंग होची इंडस्ट्रियलाइजेशन होची शिल्प में जहाँ कंचामाल दरकार होची आमे जंगल रे नौचे, ता सहित जंगल को आमे कौन कर दोचे ना जेहेतु जनसंख्या वृद्धि होची घर करबा पई कलकारखाना निर्माण करबा पई बहुत सारा काम पई आमे नॉर्मली जंगल को ध्वंस कर पकोचे, एहा द्वारा कौन होची जंगल लॉस होची, ठीक है। देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स एट कंजर्वेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ओडिशा रे मध्ये बहुत सारा पदक्षेप निजी केमती कंजर्व कर, ठीक है, रिफॉरेस्टेशन कर, ठीक है, रास्ता कड़ में गच्छ लगे और जंगल को पुनः सृष्टि करवा से सब प्रकल्प कंटिन्यू अच्छी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो रे मु सब स्कीम आणवी जोटा कि ओडिशा रो कौन कौन स्कीम अच्छी, स्कीम कौन अच्छी, कौन कौन योजना अच्छी जोटा इंपोर्टेंट हो सब डिस्कस कर, हिस्ट्री ओडिशा हिस्ट्री डिस्कस होम चैनल जनरल नॉलेज रो अलग कर जीके रो अलग प्लेलिस्ट अच्छे सब सब्जेक्ट पर अलग अलग प्लेलिस्ट अच्छे आपने डिस्क्रिप्शन विजिट कर देखने आम चैनल द बेसिक नॉलेज को सब्सक्राइब कर दिखाँ जहाँ भी वीडियो आम अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आसूब। ड्यू टू द क्लाइमेट एंड गुड रेनफॉल ओडिशा एवरग्रीन एंड मोस्ट फॉरेस्ट आर सुइटेबल हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड ऑर्किड्स, देखो वाइल्ड ऑर्किड देखा जाए, देखो जेहे ये क्लाइमेट भल ना ओडिशा रो आउ एठी भल रेनफॉल मध्य हुए तेणु एवरग्रीन फॉरेस्ट जो रहला ओडिशा रे देखा जाए बहुत चिरहरित अरण्य माने देखा जाती। ता सहित एठी वाइल्ड ऑर्किड देखा जाए, ऑर्किड कहले नॉर्मली गछरे जो पारासाइट आकार ऑर्किड डेवलप करथांती, ठीक है। अराउंड 130 स्पेसीज हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द स्टेट, 97 ऑफ देम आर फाउंड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट अलोन, ताले मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट हाउची आम ओडिशा सबुठ बड़ डिस्ट्रिक्ट मन रखिबे। द ऑर्किड हाउस ऑफ नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क होस्ट सम ऑफ दिस स्पेसीज, देखो नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क अच्छे आम खोर्धा जिले में भुवनेश्वर से सिचुएटेड अच्छे आपे आसीथे बुली सिमलीपाड़ नेशनल पार्क देखा यहाँ मयूरभंज अच्छी, ठीक अच्छे सिटी बहरीपाणी जलप्रपात अच्छी सिमली जोटा कि रहा आमर सेकेंड जलप्रपात, ठीक है, जो वाटरफॉल हो पूरा सेटा हो सेकेंड बहरीपाणी जो जलप्रपात सेटा हो सेकेंड लार्जेस्ट। सिमलीपाड़ नेशनल पार्क इज प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरिया एंड टाइगर रिजर्व स्प्रेड ओवर 2750 स्क्वायर किलोमीटर, रहिला 2750 वर्ग किलोमीटर ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, मन रखिबे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे एटा अच्छी सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है, एटा 2750 वर्ग किलोमीटर पर्यंत नॉर्दर्न पार्ट रे रहिची मयूरभंज रो। इट हाज 1078 स्पेसीज ऑफ प्लांट, देखंतु 1078 स्पेसीज रहिची प्लांट रो इंक्लूडिंग 94 ऑर्किड, सहित 94 ऑर्किड रहिचंती। द साल्ट ट्री इज द प्राइमरी ट्री स्पेसीज देयर, देखंतु जो जो स्पेसीज सेठी अछंती बेसिकली प्लांट रे सेठारे साल्ट ट्री जो रहिची सेटा अच्छी प्राइमरी ट्री आकार रे बहुत सारा देखा जांती साल्ट ट्री मयूरभंज रो सिमलीपाल रे, ठीक अच्छे सिमलीपाल नेशनल पार्क रे जोटा कि 1078 स्पेसीज देखा जांती प्लांट रो बेसिकली आउ 94 ऑर्किड अछंती जोटा कि प्लांट रे डेवलप करती। द पार्क हाज 55 मामाल्स, मामाल कहले स्तनपाई, ठीक अच्छे आउ सेटा 55 मामाल अच्छा इंक्लूडिंग बार्किंग डियर अच्छा बंगाल टाइगर कॉमन लंगूर, ठीक अच्छे फोर हॉर्न्ड एंटलोप इंडियन बाइसन इंडियन एलिफेंट इंडियन जिएंट स्क्वायरल इंडियन लियोपार्ड जंगल कैट
सांबर डियर वाइल्ड बोर ये सब अच्छा आमर सिमलीपाल नेशनल पार्क रे ठीक है 55 कुल टोटली 55 मामाल्स अच्छा ता सहित आमर 94 अर्किड अच्छा 1078 स्पेसीज रही प्लांट रहा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रही जोटा कि आम ओडिशार सबुठ बड़ जिला आउ ये 2750 वर्ग किलोमीटर पर्यंत रही नॉर्थ पार्ट रे मयूरभंज ठीक है। देयर आर 304 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स देखो ये नेशनल पार्क रे ना 304 जातिर ठीक है 304 जातिर बर्ड देखा जाती इन द पार्क सच एज कॉमन हिल मैना ग्रे हॉर्नबिल इंडियन पाइड हॉर्नबिल ये सब होती पक्षी मैंने जो मैंने सिमलीपाल नेशनल पार्क रे देखा जाती ठीक अच्छे इंडियन पाइड हॉर्नबिल मलाबार पाइड हॉर्नबिल इट अल्सो हा 60 स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल्स देखो ये रेप्टाइल्स रठिए स्पेसीज रही देखा रेप्टाइल्स नोटेबल एमंग ह्विच आर किंग कोब्रा देखो जो सब रेप्टाइल अच्छा आमर जो साप कि जो मैंने रेप्टाइल नॉर्मली साप हो कि जो ग्रुप थाए एंडुओ सब को रेप्टाइल कहुए नॉर्मली किंग कोब्रा बैंडेड क्रेट ता सहित ट्राइकैरिनेट हिल टर्टल ये समस्त होती रेप्टाइल गोष्ठी ये सब देखा जाती से देयर इज ऑल्सो ए मगर क्रोकोडाइल देखा जाती ठीक है। ब्रीडिंग प्रोग्राम नियर बाय रामतीर्थ मन रखिए रामतीर्थ से ब्रीडिंग प्रोग्राम थाए मगर क्रोकोडाइल अच्छी सिमलीपाल यहाँ बहुत इंपोर्टेंट अच्छी बाघ्र पकड़ बैठा ठीक है। आग को देखा आम ऑल अबाउट सिमलीपाल देखिले देखो सिमलीपाल जो रहा सेटा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रही आउ एटा 2750 वर्ग किलोमीटर पर्यंत नॉर्दर्न पार्ट रही 1078 स्पेसीज रही प्लांट अच्छा जो मान 94 ऑर्किड देखा जाती सहित 55 मामाल देखा जाती कौन कौन अच्छा आप स्क्रीनशॉट नहीं कि पढ़ी पारती ता सहित 60 स्पेसीज अच्छा रेप्टाइल आम देखिले मगर क्रोकोडाइल अच्छी तार पाई ब्रीडिंग प्रोग्राम अच्छी रामतीर्थ नामक जगार मन रखिए रामतीर्थ ता सहित देखा द चंदका एलिफेंट सैंक्चुरी ता सहित आम चंदकार जो रहा हाथी हाथीपाई जोटा अच्छी सैंक्चुरी देखा एवं आम सिमलीपाल सारी एवं चंदका देखा देखो चंदका अच्छी हाथीपाई एलिफेंट पाई मन रखिए 190 स्क्वायर किलोमीटर प्रोटेक्टेड एरिया नियर द कैपिटल सिटी भुवनेश्वर एटा भुवनेश्वर अच्छी हाउएवर द अर्बन एक्सपानशन एंड ओवर ग्रेजिंग हाव रिड्यूस्ड द फरेस्ट एंड आर ड्राइविंग हर्ड्स अफ एलिफेंट टू माइग्रेसन देखंतु एठी जो रहिला केते स्क्वायर किलोमीटर पर्यंत अच्छी 190 वर्ग किलोमीटर मन रखिबे 190 वर्ग किलोमीटर प्रोटेक्टेड एरिया मध्ये रहछि एटा कैपिटल सिटी भुवनेश्वर अच्छी ठीक है। एठारे टिके ग्रेजिंगटा रिड्यूस्ड अच्छी कम अच्छी जहाँफल कि यहाँ भल सुरक्षित रही फरेस्ट एंड आर ग्राइविंग हर्ड्स अफ एलिमेंट टू माइग्रेशन एठारे बहुत सारा एलिमेंट मानक नॉर्मली क्राउड को हर्ड कहुए ग्रुप अफ एलिमेंट को एलिफेंट को तेणु हर्ड्स अफ एलिफेंट आर माइग्रेशन हुए एठारे इन 2002 देयर वेर अबाउट 80 एलिफेंट्स बट बाय 2012 देयर नंबर हैड बीन रिड्यूस्ड टू 20 देखु आमर 2002 80 एलिफेंट थे किंतु 2012 बेलू 20 रे परिणत हो जाए कितने परसेंटेज डिक्रीज हो जाए बहुत सारा कारण पाई देखूँ जहाँ भी उपयुक्त एनवायरमेंट होना ही जहाँफल ये प्रोब्लेम हो 2002 जदि आम देखी 2002 80 एलिफेंट थी 2012 रिसर्च अनुसार जमापड़ कि केवल 20 एलिफेंट से रोचान से अनुपात में ठीक अच्छे। मेनी ऑफ एनिमल्स हाव माइग्रेटेड टुवार्ड द बरबरा रिजर्व फॉरेस्ट चिल्का तेल किसी माइग्रेट हो जगह को पलाऊँचला बरबरा रिजर्व फॉरेस्ट रही चिलिका ठारे नयागढ़ डिस्ट्रिक्टर मन रखिए एंड आठगढ़ रहिला आठगढ़ को पलांती कि नयागढ़ डिस्ट्रिक्टर जो चिलिका फॉरेस्ट को बरबरा रिजर्व फॉरेस्ट से पलांती सम एलिफेंट्स हैव डाइड इन कॉन्फ्लिक्ट्स विथ विलेजर्स व्हाइल सम हैव डाइड ड्यूरिंग माइग्रेशन फ्रॉम बीइंग इलेक्ट्रोक्यूटेड बाय पावर लाइन्स एंड हिट बाय ट्रेन्स तले बहुत सारा जो मैंने माइग्रेटेड हेला बेले ट्रेन लाइन को हिट कर जाती कि जो रहा इलेक्ट्रोक्यूटेड पावर से तांको हिट लगी जाए कि सक लगी जाए कि नेचुरल डेथ हो किर आउ कि अच्छा जो मैंने माइग्रेट हेला बेले डेथ हो जहाँफल संख्या कमी जाए आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया दे आर किल्ड बाय पॉचर्स बिसाइड एलिफेंट द सैंक्चुरी इज अल्सो हाज इंडियन लियोपार्ड्स जदि आम एलिफेंट को देखा चंदकारे एलिफेंट सहित से इंडियन लियोपार्ड अच्छा जंगली बिल्ली जंगल कैट्स रही गोटे चिता अच्छा चित्तल मैंने अच्छा आम देखिले कि डिस्कस कले जोटा कि चंदक अभयारण्य थी टाक रिभाइज करनवा
चंदका एलिफेंट सैंक्चुअरी जेटा हूँ 190 वर्ग किलोमीटर प्रोटेक्टेड एरिया जोटा कि कैपिटल सिटी भुवनेश्वर रही सहित तो एटी जो 2002 मसीह 80 एलिफेंट थी बेले 2012 मसीह केवल 20 अच्छा ठीक है कहीं मैंने माइग्रेटेड हो जाते बरबोरा सर्विस फरेस्ट चिलिका को नयगढ़ डिस्ट्रिक्ट को कि आठगड़ को आउ एम किसी नेचुरल डेथ हो जाए कि माइग्रेट होगा समय पावर लाइन सहित यहाँ सक लग जाए कि ट्रेन सहित धक्का खाई मधे कि मृत्यु हो जाए मृत्यु घटी जहाँफल संख्या कमी जाइए आउ रहा चंदक अभयारण्य हाथी मान सहित लियोपार्ड जंगली कैट अच्छा एवं देखा आम भितरकनिका नेशनल पार्क ठीक है भितरकनिका नेशनल पार्क इन केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट ताल आम पढ़ी प्रथम शिमिलीपाड़ा है बाघ्य प्रकल्प शिमिलीपाड़ा नेशनल पार्क से रही आम मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे पुणी आम देखी चंदका ठीक है चंदका अभयारण्य सेटा होची भुवनेश्वर अच्छी तासी आम देखा जो भितरकनिका नेशनल पार्क से केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट अच्छी ठीक है कवर 650 स्क्वायर किलोमीटर 650 वर्ग किलोमीटर इलाका यहाँ रही ठीक है अफ ह्विच 150 स्क्वायर किलोमीटर आर मैंग्रोव्स मन रखिए या मध्य 150 वर्ग किलोमीटर होवल मैंग्रोव फॉरेस्ट द देखु गहिरमथा बीच इन भितरकनिका इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट मन रखिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट रोच भितरकनिकार गहिरमथा बीच मन रखिए फॉर ऑलिव रिडले सी टर्टल ऑलिव रिडले कईछी देखा जाती देखो भितरकनिका नेशनल पार्क रहा केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रही यार 650 वर्ग किलोमीटर पर्यंत ये फैल कर मैंने पूरा विस्तारित विस्तृत ठीक अच्छे तले केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट 650 स्क्वायर किलोमीटर पर्यंत विस्तृत ये आउ 150 या मध्य 150 स्क्वायर किलोमीटर केवल मैंग्रोव रही सहित गहिरमाथा बीच जो रहा भितरकनिका से हूँ पृथ्वी वर्ल्ड र लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट से हूँ ऑलिव रिडले कईछ मन रखिए ऑलिव रिडले कईछ आम गहिरमाथा बीच में देखा जाए जोटा हूँ भितरकनिका अच्छी केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट अदर मेजर नेस्टिंग ग्राउंड्स फॉर द टर्टल आउ जो टर्टल मैंने रही ऋषिकुलिया गंजाम डिस्ट्रिक्ट रहा ऋषिकुलिया से अच्छा एंड द माउथ ऑफ द देवी रिवर देवी नदी जो रही द भितरकनिका सैंक्चुअरी इज ऑल्सो नोटेड फॉर इट्स लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सल्ट वाटर क्रोकोडाइल एठार जो भितरकनिका बहुत संख्यक जो सल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलती इन विंटर द सैंक्चुअरी इज ऑल्सो विजिटेड बाय माइग्रेटोरी बर्ड्स विंटर सीजन में बहुत सारा बर्ड उड़ी की पलि आसिक अमंग द स्पेसीज ऑफ बर्ड्स स्पॉटेड इन सैंक्चुअरी आर ब्लैक क्राउंड नाइट हेरन ये सब होती बर्ड जो मैंने माइग्रेटेड होसपर डाटर ग्रे हेरन इंडियन कॉर्मोरेंट ओरिएंटल व्हाइट इबिस पर्पल हेरन एंड सैरोस क्रेन ये सब होती पक्षी मैंने जो मैंने माइग्रेटेड होसती ठीक है लगो को जी द पॉसिबली एंडेंजर्ड हॉर्स ओ क्रैब इज ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन ताहले कौन कौन देखा जाती हॉर्स सु क्रैब देखा जाए मन रखिए हॉर्स सु क्रैब ए रीजन में देखा जाए ठीक है ताहले आमे टिके देखिद बैक रिविजन करदे भितरकनिका नेशनल पार्क रे कौन रही भितरकनिका नेशनल पार्क होची केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रही 650 वर्ग किलोमीटर पर्यंत यह विस्तृत ता मध्य 150 वर्ग किलोमीटर केवल मैंग्रोव रही आउ गहिरमथा बीच जो रहा सेटा वर्ल्ड रो लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट रही ऑलिव रिडले कईछ ठीक है मन रखिए ऑलिव रिडले सी टर्टल वर्ल्ड रो लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट होची गहिरमथा बीच जोटा कि केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट भितरकनिका नेशनल पार्क रही सहित आउ जो मेजर नेस्टिंग ग्राउंड रही से हूँ ऋषिकुलिया रही गंजाम ता सहित आम देवी रिवर रहा से रिजनटा तापर भितरकनिकार अल्सो आउ रही बड़ बड़ पॉपुलेशन मान अधिक मात्रा रे सेठारे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखा जाती ता सहित एठारे बहुत सारा माइग्रेटेड बर्ड्स था जो मैंने माइग्रेट होती ब्लैक क्राउडेड नाइट हेरन डाटर ग्रे हेरन इंडियन कॉमरेट ओरिएंटल व्हाइट बीस पर्पल हेरन ये सब रही जो मैंने पक्षी माइग्रेटेड होठिके आसती ठीक है एम देखा चिलिका ह्रद उपर कि देखा चिलिका लेक देखो चिलिका लेक इज ब्लाकिश वाटर लगुन मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एथु बहुत क्वेश्चन आसे सबुबापाई चिलिका लेक हूँ ब्लाकिश वाटर लगुन अन् द ईस्ट कोस्ट ऑफ ओडिशा ओडिशार पूर्व कोस्ट रहा उपकूल पूर्व उपकूल ओडिशार ब्लाकिश वाटर लगुन हूँ चिलिका लेक विद एन एरिया ऑफ 1105 स्क्वायर किलोमीटर इट इज कनेक्टेड टू द बे ऑफ बेंगल बाय 35 किलोमीटर लॉन्ग नैरो चैनल एंड इट इज अ पार्ट ऑफ महानदी डेल्टा ठीक अच्छे ताहले चिलिका लेक जो आम देखिले से हूँ ब्लाकिश वाटर लगुन पूरा एशिया रही है सबुठ बड़ ठीक है ईस्ट कोस्ट ऑफ ओडिशा ओडिशार पूर्व उपकूल यहाँ अच्छी एवं 1105 वर्ग किलोमीटर पर्यंत यार एरिया रही ठीक है
आउ यहाँ बे ऑफ बंगाल सहित आम बंगोपसगर सहित कनेक्टेड अच्छी 35 किलोमीटर लॉन्ग नैरो गोटे लंबार लंबा अणओसारिया चैनल द्वारा यह बंगोपसगर सहित जड़ित 35 किलोमीटर सहित ठीक है। तेल महानदी डेल्टा सहित महानदी डेल्टार यहाँ हूँ गोटे पार्ट ठीक है। इन द ड्राई सीजन द टाइड्स ब्रिंग इन सॉल्ट वाटर, इन द रेनी सीजन द रिवर्स फॉलिंग इनटू लैगून डिक्रीज इट्स सैनिटी। देखो बहुत इंपोर्टेंट यहाँ रही है ड्राई सीजन में जितेबाड़े आम नॉर्मली समर होता है ग्रीष्म ऋतु होता है से समय टाइड्स ब्रिंग इन सॉल्ट वाटर ताल यार जो सॉल्ट रहा किसी रिमेनिंग थाए सल्टी थाए। रेनी सीजन द रिवर्स फॉलिंग इनटू द लैगून डिक्रीज सैलिनिटी। आउ वर्षा ऋतु में कौन हुए ना यार जो लुणिया थाए नमकीन जो रहा से जो लुण तार लुण डिक्रीज होगा लगे ठीक अच्छे। नॉर्मली से जो ड्राई सीजन रे तार ठीक ठाक थाए सॉल्ट अधिक थाए और रेनी सीजन रे एटा डिक्रीज हो जाए वर्षा पानी मिसिकी टिके सॉल्ट जो रहा तार सालिनिटीटा डिक्रीज हो जाए कमी जाए। मन रखिए बर्ड्स फ्रॉम प्लेस लाइक कैस्पियन सी लेक बैकाल अदर पार्ट्स ऑफ रूसिया सेंट्रल एशिया साउथ ईस्ट एशिया लद्दाख एंड हिमालयस माइग्रेट टू द लैगून इन विंटर। देखो शीत ऋतु रे विंटर सीजन रे बहुत सारा बर्ड्स माइग्रेट होकर पलैसती कास्पियन सी रु तापर बैकाल ह्रद रु तक लद्दाख रशिया सेंट्रल एशिया सहित साउथ ईस्ट एशिया हिमालयस रु बहुत सारा माइग्रेट होकर बर्ड मैंने पलैसती। अमंग द बर्ड्स स्पॉटेड देयर आर यूरेशियन ठीक अच्छे वैग्यन तापर पिंतल बार हेडेड गुज ग्रे लैग गुज फ्लेमिंगो मलार्ड एंड गोलियत हेरन ये सब रहले बर्ड्स जो मैंने कि माइग्रेटेड होकर आसती चिलिका को। द लैगून अल्सो हाज अ स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ इनडेंजर्ड इरावाड़ी डॉल्फिन्स। मन रखिए डॉल्फिन माने मध्य अच्छा जो मैंने स्मॉल पॉपुलेशन रे अच्छा इरावाड़ी डॉल्फिन मन रखिए इरावाड़ी डॉल्फिन्स। द स्टेट कोस्टल रीजन हाज अल्सो हार्ड साइटिंग्स ऑफ फाइन लेस पर्पोइस बॉटल नोज डॉल्फिन ठीक है हम्प बैक डॉल्फिन स्पिनर डॉल्फिन एक्सेट्रा ये सब डॉल्फिन मान कैटेगरी अच्छी जोटा कि चिलिका देखा जाए ठीक है। इरावाड़ी डॉल्फिन मन रखिए इरावाड़ी डॉल्फिन ता सहित कौन कौन डॉल्फिन माने रहिले स्टेट कोस्टल रीजन रे सेटा देखिबा फाइनलेस पर्पोइस बॉटल नोज डॉल्फिन हम्पैक डॉल्फिन स्पिनर डॉल्फिन ये सब डॉल्फिन अच्छा जो मैंने चिल्का देखा जाती। तापर सातपड़ा इज सिचुएटेड क्लोज टू द नॉर्थ ईस्ट केप ऑफ चिल्का लेक एंड बे ऑफ बंगाल। देखो सातपड़ा रही जोटा कि अच्छी नॉर्थ ईस्ट चिल्कार नॉर्थ ईस्ट रे जोटा रहिला उत्तर पूर्व दिग ठीक अच्छे बे ऑफ बंगाल रो। इट इज फेमस फॉर डॉल्फिन डाले सातपड़ा तो डॉल्फिन पाई फेमस अच्छी वाचिंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नॉर्मली आम नेचुरल हैबिटेट रे डॉल्फिन को देखि परबा तेतिरे बोट सिस्टम थाए आपण माने जाईथिबे केबे देखिबा पाई। देयर इज अ टिनी आइलैंड इन रूट फॉर वाचिंग डॉल्फिन्स तारे छोटो आइलैंड बोली थाए जो थिरे जाई कि आम डॉल्फिन को देखू वेयर टूरिस्ट ऑफन टेक अ शॉर्ट स्टॉप ठीक अच्छे जो मैंने टूरिस्ट मैंने जानती बुलवा पाई। अपार्ट फ्रॉम दस दिस आइलैंड इज ऑल्सो होम फॉर टिनी रेड क्रैब्स सेठे लाली कंकड़ा मध्य देखा जानती नाली रेड क्रैब्स ओके रेड क्रैब्स लाली कंकड़ा मैंने मध्य देखा जाई थांती ओके। अकॉर्डिंग टू द सेंसस कंडक्टेड इन 2016 देयर आर अराउंड 2000 एलिफेंट्स इन द स्टेट। ताले हमर जो स्टेट ओडिशा रही है 2000 हमर हाथी रही छंती बोली कुहा जाए टिके देखिदबा आउ थरे चिलिका को। देखंतु आमर जो रहला चिलिका ले सेटा होची ब्लैकेस्ट वाटर लागून पूरा ईस्ट कोस्ट रही ओडिशा रो ठीक है। आउ 1105 वर्ग किलोमीटर पर्यंत रही एटा आउ ये बे ऑफ बंगाल सहित कनेक्टेड अच्छी 35 किलोमीटर सहित एक गोटे लॉन्ग नैरो चैनल द्वारा आउ यह महानदी डेल्टा सहित गोटे पार्ट ठीक है। ड्राई सीजन रे एटा अधिक सल्टी थाए और रेनी सीजन रे यार जो रहा सैलिनिटी टिके डिक्रीज करे बुझी तले बर्ड्स फ्रॉम रहा कैस्पियन सी लेक बैकाल लद्दाख सेंट्रल एशिया साउथ ईस्ट एशिया रूसिया हिमालय ये सब जगार बर्ड्स मैंने माइग्रेट होकर विंटर सीजन एठाक पलैसती सहित कई कौ बर्ड देखा जाती है देखते यूरेशियन विगन पेंटेल बार हेडेड गुज ग्रे गैग गुज फ्लेमिंगो मलार्ड गोलियत हेरन ये सब बर्ड मैंने देखा जाती नॉर्मली चिलिकारे ठीक अच्छे। तापर एथिरे बहुत सारा जो एंडेंजर्ड रही इरावाड़ी डॉल्फिन्स इरावाड़ी डॉल्फिन जो मैंने कि एंडेंजर्ड अच्छा सरी सरी जाऊँ ठीक अच्छे। इरावाड़ी डॉल्फिन मन रखिए इरावाड़ी डॉल्फिन ता सहित बहुत सारा डॉल्फिन अच्छा फिनलेस पर्पोइस बॉटल नोज डॉल्फिन हम्प बैक डॉल्फिन स्पिनर डॉल्फिन ये सब कैटेगरी डॉल्फिन देखा जाती। सातपड़ा अच्छी जोटा कि चिलिका लेक्र नॉर्थ ईस्ट केप्रे अच्छी
ता सहित एटी आम नेचुरल हैबिटेट रे डॉल्फिन को देखा पाऊ ठीक है। एटी गोटे तीन छोट आइलैंड बड़िका अच्छी जो थे कि आम डॉल्फिन को देखी था 2016 मसीहार जो सेनस अनुजाई आम 2000 एलिफेंट अच्छा स्टेट रे देखो व्हाइट टाइगर यहाँ नंदनकानन जू रे देखा जाए। व्हाइट टाइगर देखो आप विजिट करेंगे खोर्धार अच्छे नंदनकानन भुवनेश्वर में विजिट करेंगे जो व्हाइट टाइगर देखिथे ठीक अच्छे। ये देखो इरावाड़ी डॉल्फिन कैन भी फाउंड इन चिल्का चिल्कार नेचुरल हैबिटेट आप देखा पाइबे जदि आप जाइए तो बोट रे देखिपर इरावाड़ी डॉल्फिन चिलिकारे ता सहित जो ऑर्किड रही देखु ये जो रहा हूँ वंडा तेसेलता यार साइंटिफिक नाम हूँ वंदा तेसेलता वन ऑफ द ऑर्किड फाउंड इन ओडिशा ये ओडिशा रे देखा जाए ऑर्किड। ता सहित देखते बर्ड्स मैंने रही चिलिकारे जो मैंने माइग्रेट होती ठीक है। क्रोकोडाइल इन भितरकनिका नेशनल पार्क भितरकनिका नेशनल पार्क क्रोकोडाइल ठीक है। आम डिस्कस कले बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारा जिनस जोटा कि आम आपण लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर रिलेटेड बहुत इंपोर्टेंट रही ठीक है। ओडिशा रो जेकोनसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई एटा इंपोर्टेंट तेणु बहुत किसी या पूर्व करा जाइछि हिस्ट्री उपरे जोटा कि ओडिशा हिस्ट्री अच्छी आपण माने जदि देखि नाहंती ताले डिस्क्रिप्शन रे प्लेलिस्ट वाइज लिंक अवेलेबल अच्छी विजिट करके मस्ट वॉच करंतु एवं आम चैनल द बेसिक नॉलेज को सब्सक्राइब कर दियंतु जहाँफल आम दिन को 5-6 वीडियो अपलोड करछु काहेकि ना आपण एग्जाम बहुत पाखे आसलानी एवं जब भी आम वीडियो अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आपको आसो तेणु आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु। धन्यवाद।